औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ मोहम्मद तलहा हाशमी एंड यू आर वाचिंग पैशन केमिस्ट्री सीरीज। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 8 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स सेकंड लेक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे। जी स्टूडेंट्स हम डिफरेंट रिएक्शंस की केसी की वैल्यू को ड्राइव करने जा रहे हैं अपने आज के लेक्चर में। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केसी की जो डेरिवेशन है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यूज भी आते हैं और यकीनन ये हमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट हमारे पास आज के लेक्चर का पॉइंट है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। सो स्टूडेंट पहले तो हम ये देखते हैं कि एस्टर बनता कैसे है। स्टूडेंट हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास स्टूडेंट एसिटिक एसिड है, इसे एथनोइक एसिड भी कहते हैं। ये स्टूडेंट एसिटिक एसिड हम कह लेते हैं इसका आप कह लें कॉमन नेम। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास ये एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ C2H5 और साथ में स्टूडेंट क्या है O और H। ये स्टूडेंट मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, एथानोल भी कहते हैं। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, यहां से OH जाता है इधर से H जाता है और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं वाटर। यानी कि ये H3O का एक्वस फेज रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और क्या बना देते हैं, एक तो वाटर बनता है साथ में स्टूडेंट क्या बनता है, साथ में हमारे पास एस्टर बन जाता है इथाइल एसीटेट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास CH3 C डबल O C2H5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक एस्टर बन गया जिसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। जी स्टूडेंट तो ये हमारे पास एक एस्टर तैयार हो गया और साथ में क्या बना, ये वाटर बन गया। तो ये स्टूडेंट को इस स्टूडेंट इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में एस्टर जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिल रहा है, इसलिए एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी कहलाता है। अब स्टूडेंट बात ये है कि सपोज हम ये कर रहे हैं कि इस रिएक्शन की इनिशियल कंसेंट्रेशन एस्टेरिक एसिड की ए है और एथानोल की इनिशियल कंसेंट्रेशन बी है और इनकी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो जीरो है। वो जीरो कब है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास टाइम जो है टी दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी व्हेन द रिएक्शन इज नॉट येट इनिशिएटेड देन द वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज ए और द कंसेंट्रेशन ऑफ एथानोल इज बी एंड येट द प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म। After some time, when reactants have been converted into the product, the concentration of A is decreased. यकीनन reactant की concentration decrease होगी और product की increase हो जाएगी और इसी तरह B की concentration student क्या हो जाएगी, B minus X। अब इनकी concentration क्या हो जाएगी student, X। इसकी concentration क्या हो जाएगी, यकीनन X। कब, when time T is equal to T, वो time कोई भी हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट, वो time कोई भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक कंसंट्रेशन आ गई। अब यकीनन जो कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट उसका जो यूनिट होता है वो डेसीमीटर क्यूब पर मोल। अब यानी इसका मतलब है कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है हमें इसको वी पे डिवाइड करना होगा। जब हम वी पे डिवाइड करेंगे तो वो एक कंसंट्रेशन बन जाएगी इन तमाम रिएक्टेंट्स की। इसका मतलब है टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन टू द मोलर कंसंट्रेशन, आप कह लें ज्यादा बेहतर होगा, वी डिवाइड ऑल दीज वैल्यूज बाय वी। यानी जब भी हम केसी की स्टूडेंट वैल्यू निकालेंगे हम इसको वी पर लाजमी डिवाइड करेंगे। इसको भी वी पे डिवाइड कर दिया, इसको भी वी पे डिवाइड कर दिया और इसको भी वी पे डिवाइड कर दिया। जी स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं केसी की वैल्यू की तरफ। तो आप मुझे बताइए केसी क्या होता है, आपने कहा सर केसी होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर आपने कहा कंसंट्रेशन किसकी स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
मैंने कहा बिल्कुल सही, इसका मतलब है अब हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं, यहां पे देखिए एक तो है इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, एक तो स्टूडेंट हमारे पास है इथाइल एसीटेट, और साथ में दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है वाटर। इसी तरह रिएक्टेंट्स स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, रिएक्शन एक तो हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, और दूसरा स्टूडेंट्स रिएक्टेंट हमारे पास है C2H5OH जिसे हम एथानोल भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास इथाइल एसीटेट की जो वैल्यू है वो आपके सामने दी गई है, और उसकी क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स X/V, और हम ब्रैकेट में इंक्लोज कर देंगे इसको। वाटर की स्टूडेंट्स क्या वैल्यू है X/V, इसको भी यकीनन हम ब्रैकेट में इंक्लोज कर देंगे, और डिवाइडेड बाय एसिड की वैल्यू देख लीजिए स्टूडेंट्स A-X/V, और इसी तरह से हमारे पास यहां पर स्टूडेंट देख लीजिए B-X/V। तो ये स्टूडेंट हमने तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो यहां पर पुट कर दी ताकि हमें केसी का एक्सप्रेशन मिल जाए। अब देखिए फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये आ जाता है X²/V² और स्टूडेंट यहां पर क्या आ जाएगा ये V² ऊपर आ जाएगा, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और यहां बचेगा A-X × B-X, और स्टूडेंट्स क्या होगा ये जो V है ये इस V के साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और स्टूडेंट मेरे पास जो X की वैल्यू या आप ये कह लीजिए कि जो KC की फाइनल वैल्यू आ जाएगी द वैल्यू ऑफ द KC विल बी फाइनली इक्वल टू X² / किसके स्टूडेंट्स A-X और किसके बेटे B-X। ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है KC की। अब यहां पर एक बात नोट कीजिए कि वैल्यू ऑफ KC इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ KC क्या है स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से ये इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम पर ये डिपेंड नहीं कर रही जो KC की वैल्यू है। अब आप स्टूडेंट्स अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि क्या KC की वैल्यू हमेशा वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होगी, नहीं स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट, KC की वैल्यू तब जो है वो इंडिपेंडेंट होगी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होंगे। क्या मतलब स्टूडेंट देखिए आपने एसिटिक एसिड के कितने मोल रिएक्ट करवाए रिएक्शन में, एक मोल, एथेनॉल का एक मोल, टोटल कितने मोल है रिएक्टेंट के दो, इथाइल एसीटेट का कितने मोल बने एक, वाटर के कितने मोल बने एक, प्रोडक्ट के टोटल मोल कितने हैं दो, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के टोटल मोल दो हैं जबकि प्रोडक्ट्स के टोटल मोल भी दो हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट आर एक्चुअली इक्वल, सो दैट्स व्हाई the value of the KC is independent of the volume. So whenever we will study a reaction in which the value of the KC or you can say the number of moles of the reactant and product are equal, then you will see that, you will observe that the KC will be independent from the volume. चलिए स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसी के अंदर एक और रिएक्शन की तरफ चलते हैं, उसकी KC का एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, and that is decomposition of phosphorus pentachloride PCl5। जी स्टूडेंट्स हम PCl5 की डीकम्पोजिशन के हवाले से अब बात करने जा रहे हैं कि PCl5 किस तरह से डीकम्पोज होता है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं, जब हम PCl5 को हीट करते हैं, जब हम PCl5 की डीकम्पोजिशन करते हैं
तो PCl5 डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होकर PCl3 में चला जाता है और साथ में स्टूडेंट किस में चला जाता है, Cl2 में। अब अगर आप गौर से मेरी बात को सुने तो इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली A है और इसकी कंसंट्रेशन 0 है, कब, जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 है। फिर आफ्टर सम टाइम व्हेन द रिएक्टेंट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट देन व्हाट वी हैपन, वी विल हैव A माइनस X और यहां पे स्टूडेंट्स क्या बनेगा, X, यहां पर क्या बनेगा X, कब, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट इसको मोलर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इनके वॉल्यूम जो है उससे डिवाइड करना जरूरी है। तो इसका मतलब है मैं फिर इस इक्वेशन को सारी की सारी वैल्यू को V पे डिवाइड कर देता हूं ताकि मेरे पास ये कंसंट्रेशन, ये मिकदार जो है ये मोलर कंसंट्रेशन में चली जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट अब हमें केसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू क्या है, जैसे कि आपके सामने है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है PCl3 है और फिर साथ क्या है स्टूडेंट्स Cl2 है और इसके साथ देखिए डिवाइड क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, PCl5 है ये रिएक्टेंट है। तो इसमें स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो PCl3 है इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, एक्स ओवर वी इसकी वैल्यू है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास Cl2 की क्या वैल्यू है, एक्स ओवर वी इसकी वैल्यू है और डिवाइड किससे हो रही है स्टूडेंट्स, ये डिवाइड हो रही है PCl5, उसकी क्या वैल्यू है, A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास आपके सामने केसी के एक्सप्रेशन के बारे में हम उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर और ये मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा वी ओवर ए माइनस एक्स। अब स्टूडेंट ये जो वी है ये एक पावर के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास फिर केसी की क्या वैल्यू बचेगी स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ द केसी विल बिकम इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वी इंटू ए माइनस एक्स। तो स्टूडेंट अब आपने केसी का एक और एक्सप्रेशन देखा, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो है दे आर लेस देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल दो हैं आप देख रहे हैं, वन मोल ये है वन मोल ये है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल वन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से तब हमारे पास जो केसी है दैट विल बी इनवर्सली रिलेटेड, दैट विल बी इनवर्सली अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम। तो ये बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है और अपनी बुक में भी ये बात आपने हाईलाइट कर लेनी है। तो ये स्टूडेंट हमारा दूसरा एक्सप्रेशन था जिसमें हमने केसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब हम जी स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह लें केसी का एक्सप्रेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं, डीकम्पोजिशन, तवज्जो कीजिएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। जी स्टूडेंट देखिए हमारे पास N2O5 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये गैसियस फेज में मिलती है हमें, गैसियस फेज रिएक्शन है एक्चुअली जब इसे हीट करते हैं तो ये स्टूडेंट 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये A मोल है और ये 0, फिर A माइनस एक्स और ये 2x। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा सर 2 क्यों लगाया, क्योंकि इसके 2 मोल है इसलिए 2 लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, यकीनन इसे v पे डिवाइड करेंगे, a माइनस x ओवर v, इसे क्या करेंगे इसको भी v पे डिवाइड करेंगे 2x ओवर v। अब स्टूडेंट देखिए अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ kc। तो तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स, kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का, बल्कि अब आपको क्या लेना है प्रोडक्ट का स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल है, मोलर कंसंट्रेशन आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली पावर में चला जाता है
और फिर ये क्या बचा हमारे पास N2O4। अब स्टूडेंट देखिएगा प्रोडक्ट की मुझे वैल्यू बता दें, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? यकीनन स्टूडेंट्स प्रोडक्ट की वैल्यू है 2x/V और इसका ऊपर क्या मौजूद है, इसका स्क्वायर है और नीचे बेटे a-x/V। अब आप देखिए, आप नोट कीजिए, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये बनता है 4x² / v² और स्टूडेंट्स जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा, v/a-x, ये v की पावर से कैंसिल हो गया, ये बचा 4x² / v (a-x). ये स्टूडेंट हमारे पास डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड उसकी केसी की वैल्यू भी हमने ड्राइव कर ली। तो ये स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट केसी एक्सप्रेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस भी इसे कहते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 दैट इज बाय हैबर प्रोसेस हम इसे फॉर्म करते हैं। इसको बड़े अच्छी तरीके से आपने समझना है। देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये भी गैसियस फेज रिएक्शन है, इसमें ये नाइट्रोजन है, फिर ये हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट करके क्या बना देते हैं अमोनिया NH3। इसे बैलेंस करते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां पे नाइट्रोजन के 2 मोल है, यहां पर एक है, इसका मतलब हमें बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगाना, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है इधर 6 है, इसका मतलब यहां पे हमें 3 लगाना होगा। स्टूडेंट पहले हम इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं, जैसे आप जानते इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ए ली और इसकी बी और इसकी 0, कब, जब टाइम t = 0 है। फिर स्टूडेंट हमारे पास ये जो है ये बन गया a-x और ये क्या बन गया b-x, सॉरी इसमें अब थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी, b-3x लिखूंगा मैं आपके सामने। स्टूडेंट 3x क्यों, क्योंकि इसके 3 मोल में से रिपीट होंगे और यहां पर क्या बदल लिखूंगा मैं 2 × x और ये कब बना, जब टाइम t = t। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास यकीनन मोलर कंसंट्रेशन में डिवाइड करने के लिए, मोल पर डीएम क्यूब की फॉर्म में डिवाइड करने के लिए हम इसको वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया। फिर स्टूडेंट हम इसकी केसी की वैल्यू लिखेंगे, केसी की वैल्यू लिखेंगे और केसी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है अमोनिया NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। फिर स्टूडेंट मेरे पास क्या है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट क्या है N2, इसकी कंसंट्रेशन में पार 1 ही है। और फिर स्टूडेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मेरे पास कंसंट्रेशन की पार में क्या है 3 है। तो चलिए हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं रिस्पेक्टिवली, अमोनिया की हमारे पास 2x/v है और यकीनन स्टूडेंट्स इसका क्यूब है तो इसका हमारे पास स्क्वायर है, मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा, डिवाइडेड बाय N2 की वैल्यू क्या है a-x/v और इसकी पावर में 1 है, इसका मतलब है इसमें कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास b-3x है और b-3x/v है और स्टूडेंट इसकी पावर में क्या है, इसकी पावर में 3 आ गया। तो ये हमने तमाम की तमाम वैल्यू यहां पर पुट कर दी ताकि हम केसी की वैल्यू को ड्राइव कर लें। अब स्टूडेंट देखिए केसी की जो वैल्यू हमारे पास आती है, देखिए हमारे पास हम इसे सॉल्व करते जाएंगे 4x² / v² डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स a-x/v। फिर मेरे पास यहां पर आप देखिए, यहां पर मेरे पास बचा b-3x³/v³, यानी कि v का भी क्यूब आ गया। फिर स्टूडेंट्स अगर हम मजीद आगे लेके चले तो ये बच जाएगा 4x² / v² मल्टीप्लाइड बाय, ये v क्यूब ऊपर चला जाएगा ना, तो मेरे पास ये बच जाएगा v^4 डिवाइडेड बाय a-x (b-3x³). तो स्टूडेंट जरा देखिएगा मेरे पास ये v स्क्वायर इस पावर 4 से कैंसिल हुआ, यहां पावर 2 बच गई, तो फिर केसी की क्या वैल्यू बनी स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ द केसी विल बी इक्वल टू 4x² और इसको डिवाइड मैं करूंगा किससे स्टूडेंट्स a-x
और बेटे हमारे पास b माइनस थ्री एक्स का क्यूब। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये आपके सामने kc की वैल्यू आ गई, और kc की वैल्यू में आप ये बात देख रहे हैं, सॉरी मैं v स्क्वायर लिखना भूल गया, v स्क्वायर भी साथ आएगा। तो kc की वैल्यू में आपने देखा कि अब kc जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका मतलब है अब तीन बातें अपने पास नोट कीजिएगा, और वो तीन बातें क्या है स्टूडेंट, whenever the number of moles of reactant and number of moles of products are equal, then kc will independent of volume will be independent of v, फिर वो v पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात तीनों बातें नोट करनी आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं एनटी टेस्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। Whenever number of moles of reactants are less than the number of moles of product, जैसे हमने इस केस में देखा और पहले PCl5 के केस में देखा, फिर स्टूडेंट्स आपने ये बात नोट की कि हमारे पास जो Kc होता है that is inversely proportional to volume, और फिर बेटे हमारे पास डिपेंड ये नहीं कर रहा है और इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे पास याद रखिएगा Kc विल डायरेक्टली रिलेट टू द वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम के स्क्वायर से भी रिलेट कर सकती है, उसके क्यूब से रिलेट भी कर सकती है, लेकिन वो उसके डायरेक्टली रिलेट करेगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट Kc के एक्सप्रेशन हैं जो यकीनन हम अपने इस टॉपिक में स्टडी करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।